विद्युत चुम्बकीय पेपर के अंतर्गत हम इस वीडियो में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा फ्लक्स, पॉइंटिंग सदिश तथा संवेग घनत्व है एवं प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चूंकि हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करती है, मैक्सवेल के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रकाश ऊर्जा का संचरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा होता है। ऊर्जा संचरण का अध्ययन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कारण आकाश में विद्यमान ऊर्जा घनत्व के द्वारा करते हैं। आकाशीय एकांक आयतन में विद्यमान तरंग ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए इसका मान मैक्सवेल के तृतीय और चतुर्थ समीकरणों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः मैक्सवेल के तृतीय और चतुर्थ समीकरण से तीसरा समीकरण है ∇×E = -∂B/∂t तथा जो चतुर्थ समीकरण है ∇×B = μJ + μ∈ΔE/ΔT। तो समीकरण एक के साथ सदिश B का अदिश गुणनफल करने पर B·∇×E = -B∂B/∂t। इस -B∂B/∂t को लिखा जा सकता है -1/2∂B² इसे हम समीकरण नंबर 3 दे रहे हैं। इसी प्रकार जो समीकरण 2 लिखा था उसको सदिश E के साथ स्केलर प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल करने पर E·∇×B = μE·J + μ∈ΔE/ΔT या μE·∇×J + μ∈2∂ΔE² समीकरण नंबर 4 लिख रहे हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर B·∇×E − E·∇×B = μE·∇J − μ2∂ΔE² + 1·μ∂ΔE² तो चूंकि हम जानते हैं कि सर्व समीकरण ∇·A·B बराबर होता है B·∇×A − A·∇×B, तो ये सर्व समीकरण ऊपर वाले व्यंजक के लिए प्रयुक्त करने पर B·∇×E − E·∂B − μE·J − μ∂ΔE² + B² / 2μ, ये समीकरण नंबर 5 दे दिया है। या ∇·E·B·μ − E·J − ΔΔT ∇·E² / 2 + B² / 2μ समीकरण नंबर 6। तो जो समीकरण 6 को हम यदि लिखें कि ∇·P + ∂u·∂t −E·J, यहाँ पर कैपिटल P बराबर E·B·μ या E·H समीकरण 8 दे रहे हैं इसको, तथा u·∈E²2 + B²²μ इसे समीकरण नंबर 9 लिखा। तो चूंकि किसी बंद पृष्ठ S के द्वारा घिरे आयतन V के लिए समीकरण 7 का समाकलन करने पर, ये जो समीकरण 7 है इसका बंद पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ∇·P·dV + ∇·U·∂t·dV = ∇·E·J·dV। चूंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में संबंध स्थापित करती है, अतः आयतन समाकल ∇·P·dV = पृष्ठ समाकल P·∇
डीएस लिखा जा सकता है। अतः प्रेस समाकल पी डॉट डीएस प्लस आयतन समाकल डेल यू बाय डेल टी डीवी बराबर आयतन समाकल माइनस ई डॉट जे डीवी समीकरण 11। तो यहाँ पर जो समीकरण 11 है वो संपूर्ण आकाश के लिए हो तो आकाश को घेरने वाला पृष्ठ अनंत दूरी पर होगा और अनंत दूरी पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र शून्य माने जा सकते हैं, यानी अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो जीरो के बराबर होगा। तो इस स्थिति में आयतन समाकल ई क्रॉस बी डी एस बराबर जीरो, जिससे पी डॉट डी एस बराबर जीरो। अतः जो समीकरण 11 है उसमें पी डॉट डी एस बराबर जीरो हो गया, तो जो बचा आयतन समाकल डेल यू बाय डेल टी डी वी बराबर माइनस आयतन समाकल ई डॉट जे डी वी, चूँकि ई डॉट जे होता है वो कार्य करने की दर यानी शक्ति के तुल्य होता है, पावर के बराबर होता है डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। अतः माइनस डेल यू बाई डेल टी डी वी बराबर माइनस आयतन समाकल डेल डब्ल्यू बाई डेल टी डी वी, इसे तुलना करने पर यू बराबर माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर यू है वो ऊर्जा प्रति एकांक आयतन है या ऊर्जा घनत्व है, अतः यू बराबर एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू। चूँकि हम जानते हैं कि बी बराबर वन बाई वी इंटू ई होता है, तो बी की जगह ये वैल्यू रखने पर ऊर्जा घनत्व यू बराबर एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई टू प्लस ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू वी स्क्वायर, परंतु वी बराबर वन अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो उक्त व्यंजक में वी का मान रखने पर यू बराबर एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई टू प्लस एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई टू या एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अतः माध्य ऊर्जा घनत्व यू बार एप्सिलॉन ई स्क्वायर का माध्य, चूँकि ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अतः यू का माध्य बराबर एप्सिलॉन ई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का माध्य। चूँकि एक आवर्त काल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का औसत मान या माध्य मान वन बाई टू होता है, अतः माध्य ऊर्जा घनत्व यू बार बराबर हाफ एप्सिलॉन ई जीरो स्क्वायर होगा, इसका मात्रक जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है ऊर्जा फ्लक्स तथा पॉइंटिंग सदिश। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को ऊर्जा फ्लक्स सदिश पी के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस ऊर्जा फ्लक्स सदिश को पॉइंटिंग सदिश भी कहते हैं। अतः चूँकि ऊर्जा घनत्व यू बराबर एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू जीरो, इसलिए कुल ऊर्जा डब्ल्यू बराबर आयतन समाकल यू डी वी तथा ऊर्जा प्रवाह की दर माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी या माइनस आयतन समाकल डेल यू बाई डेल टी डी वी या डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू डी वी। जिससे माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी बराबर माइनस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई बाई डेल टी प्लस वन बाई म्यू बी डॉट डेल वी बाई डेल टी इंटू डी वी, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल टी थर्ड समीकरण से, तथा डेल क्रॉस बी बराबर म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी फ्री स्पेस में मुक्त आकाश के लिए जे बराबर जीरो हो जाएगा। इसलिए माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी बराबर माइनस वन बाई म्यू आयतन समाकल ई डॉट डेल क्रॉस बी माइनस बी डॉट डेल क्रॉस ई डी वी। यहाँ इस सर्वसमिका से इसकी वैल्यू रखने पर माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी बराबर वन बाई म्यू आयतन समाकल डेल डॉट ई क्रॉस बी इंटू डी वी
गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से आयतन समाकल डेल डॉट ए डी वी बराबर प्रस्थ समाकल ए डॉट डी एस होता है। ये थ्योरम यूज करें तो माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी यानी ऊर्जा प्रवाह की दर बराबर माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इक्वल टू वन अपॉन म्यू प्रस्थ समाकल ई क्रॉस बी इंटू डी एस। इसलिए एकांक क्षेत्रफल के लंबवत ऊर्जा प्रवाह की दर बराबर वन बाई म्यू इंटू ई क्रॉस बी होगी। इसे समीकरण नंबर 5 से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए पॉइंटिंग सदिश P बराबर 1 बाई म्यू E क्रॉस B या E क्रॉस H, क्योंकि H बराबर B बाई म्यू है, इसका मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश एकांक सदिश n कैप हो तो सदिश P बराबर 1 बाई म्यू E क्रॉस B n कैप, यहाँ P बराबर 1 बाई म्यू ई बी एन केप। बी की वैल्यू रखने पर ई स्क्वायर अपॉन म्यू वी या अपसाइलन वी ई स्क्वायर। समीकरण 6 से हम सब पॉइंटिंग सदिश P का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारा जो बिंदु है वो है प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश तरंग संचरण के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निर्गत माध्य ऊर्जा प्रवाह की दर को प्रकाश की तीव्रता से व्यक्त करते हैं। इसलिए प्रकाश की तीव्रता आई बराबर पॉइंटिंग सदिश पी का माध्य, आई बराबर अप्साइलन वी ई स्क्वायर का माध्य। चूँकि ई स्क्वायर का जो माध्य मान औसत मान होता है वो ई जीरो स्क्वायर बाई टू होता है, अतः आई बराबर हाफ अप्साइलन वी ई जीरो स्क्वायर एन के मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। संवेग घनत्व माना U ऊर्जा घनत्व वाले विद्युत चुंबकीय तरंग V वेग से गति कर किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो आइंस्टीन के आपेक्षिकीय संवेग ऊर्जा संबंध से संवेग घनत्व या संवेग प्रति इकाई आयतन होगा P बराबर U बाई वी एन के, या पी बराबर यहाँ पर स्मॉल पी लिख रहे हैं तो स्मॉल पी बराबर यू की वैल्यू रखी अप्साइलन ई स्क्वायर बाई वी एन केप। इसलिए अप्साइलन ई स्क्वायर बराबर पी बाई वी तथा कैपिटल पी बराबर ई क्रॉस बी इंटू म्यू होता है। तो यहाँ पर समीकरण 9 में ये उक्त वैल्यू जब रखते हैं तो संवेग घनत्व की वैल्यू हमें प्राप्त होती है P बराबर E क्रॉस B म्यू V स्क्वायर। चूंकि म्यू बराबर V बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू अपसाइलन होता है या वी स्क्वायर बराबर वन अपॉन म्यू अपसाइलन होता है, तो यहाँ वी स्क्वायर की जगह है यदि वन अपॉन म्यू अपसाइलन रखते हैं तो म्यू अपसाइलन ऊपर अंश में जाएंगे, तत्पश्चात म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा तो अपसाइलन बच जाएगा। अतः देखिए जो संवेग घनत्व का जो सूत्र हमें प्राप्त होगा पी बराबर अपसाइलन E क्रॉस B प्राप्त होता है। यदि हम B को चुंबकन क्षेत्र H के रूप में लिखना चाहें तो B बराबर म्यू H होता है, तो P बराबर एप्सिलॉन म्यू E क्रॉस H भी लिखा जा सकता है। अतः जो समीकरण 10 के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए संवेग घनत्व का जो अभीष्ट सूत्र है वो दिया जाता है।